हरदोई में वरिष्ठ अधिवक्ता को घर में घुसकर मारी गोली, हालात गंभीर, लखनऊ रिफर। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के लखनऊ रोड पर वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठ मल्होत्रा को कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर फरार हो गए। घर में खाना बनाने का काम कर रही महिला ने बताया कि दो युवक घर पर आए थे। उन्होंने कोर्ट मैरिज करने की बात कहकर वकील साहब से मुलाकात की और जैसे ही उनकी बैठक में पहुंचे गोली की आवाज़ सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो अधिवक्ता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। सूचना मिली कि एक रोत्रा जी हैं, उनके यहाँ पर दो व्यक्ति आए। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट मैरिज करवानी है। उनके मुंशी जो गिरीश चंद जी है, मुंशी ने का सोच समझा कि वकील साहब के क्लाइंट हैं और इस वेश में वो आए। तो जैसे ही वो गिरीश चंद अंदर गए, उनका कहना ये कि उन्होंने गोली की एक आवाज़ सुनी, उसके बाद ये दो लोग भाग जाते हैं। वकील साहब को तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और यहाँ से उनको रेफर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनका बेहतर उपचार ले सके। बाकी इस ये लोग दो लोग कौन थे, इनके खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई हैं। जल्द इन दोनों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने। प्रथम दृष्टया अभी क्या लग रहा है कि प्रथम दृष्टया इन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि कोर्ट मैरिज के कराने के बहाने वो आए थे। अभी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, 7:45 की ये सूचना है। अभी मुश्किल से 25-30 मिनट हुआ है, ये तुम्हारा समय दीजिए, हम आपको डिटेल्स शेयर। टीम वगैरह लगाई गई सर क्या? हाँ, मल्टीपल टीम्स लगी हैं, तत्काल इसमें 3 टीमें लगा दी गई। एक स्पेशल टीम लगी है जो उनके इलाज के लिए देखेगी, जिससे कि जल्दी से वहाँ पहुँच जाए और वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन हम लोग कर लें लखनऊ में, जिससे इनको बेटर उपचार वहाँ मिल सके, जिससे हम इनकी लाइफ जान बचा सकें। थैंक यू। और ये कैसे हादसा हुआ है, कौन लोग थे? हमारा नाम ममता है और ये बाबूजी थे, वो मेरे मालिक हैं। हमने हमसे बोले कि सब्जी बना लो, तो हम वही बनाने के लिए जा रहे थे और वहाँ से आवाज़ आई बाहर से, तो हम लोग भागे बाहर, देखा कि कोई गोली मार के भाग गया है, बहुत सारा खून निकल रहा था। क्या बता के आए थे? बता के क्या मतलब, बता के आए थे? किस लिए आए थे आपके यहाँ? जो लोग आए थे किस लिए? वो लोग हमारे पास नहीं आए, हमारे वकील साहब के लिए, वकील साहब से मिलने के लिए आए थे। कौन थे जिनको गोली मारी गई है और कैसे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? पूरा घटनाक्रम ये हुआ कि हम बैठे ऑफिस में काम कर रहे थे, दो लोग आए, कहने लगे वकील साहब जरा बुला दीजिए, कोर्ट मैरिज करानी है। हमने कहा ठीक बैठो, तो थोड़ी देर अंदर बैठने की कोशिश करी, उसके बाद हम चले गए, हुआ था ये बाहर आ गए। बरामदे में हम गए, बुला लाए उनको कि बाबू जी कोई आए हैं, कोर्ट मैरिज करानी है, चलिए। तो आए और जैसे आए के कुर्सी बैठे, तैसे उन्होंने फाइल बढ़ाई और कड़ाक से गोली मार दी, भाग दिए। कितने लोग थे? दो लोग आए थे अंदर, दुकान पास कनिष्क मेहरोत्रा एडवोकेट। आपका नाम? हमारा नाम गिरीश चंद है।